नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.2 में। दोस्तों आज है 6 नवंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। आज की क्लास थोड़ी लेट आप लोगों को मिल रही है, लेकिन क्लास बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों क्लास को थोड़ा सा छोटा किया गया है क्योंकि आपको वीकली करंट अफेयर का भी जो सेशन है आज ही मिलने वाला है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं कल के रिविजन के साथ। तो कल है 5 नवंबर था, तो उसका रिविजन हम लोग करते हैं। देखिए, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू, किसकी जगह पर? तो येर लैपिड के जगह पर बने हैं। भारत के सबसे बड़े, देखिए यहां पर है, ठीक है, विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना कहां पर की गई? तो ये अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा मुंद्रा गुजरात में की गई। और किस तकनीक पर की गई है? तो जर्मनी की W2E तकनीक पर की गई है, मतलब विंड टू एनर्जी तकनीक पर की गई है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 200 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उससे भी ऊंची ये जो है ये टर्बाइन लगेगी। जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का आयोजन कहां पर? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं लियोनल मेसी। बायजूस का एक पहल है एजुकेशन फॉर ऑल, तो उसी के लिए इन्हें बनाया गया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब तो चीन ने, और दुनिया की सबसे बड़ी पांडुलिपि ग्रंथालय कहां पर? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थापित की जा रही है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2022 को मनाया गया। गंगा उत्सव 2022 के 6वें संस्करण का उद्घाटन दोस्तों कहां पर? तो नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? तो जो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। भारतीय स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता है। किसे हराकर? कुवैत को हराकर। आयोजन कहां पर हुआ था? चियोंगजू शहर दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों यहीं पर दक्षिण कोरिया में ही एक और आयोजन हुआ था, जेजू शहर में जो आयोजन हुआ था, जिसमें जो हैदराबाद ने एक अवार्ड जीता था। उस अवार्ड का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कि हैदराबाद ने कौन सा अवार्ड जीता था, ठीक है। चलिए अगला है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड तो स्विट्जरलैंड ने बनाया है। कितनी लंबी है? तो 1910 मीटर लंबी है। कितनी बोगियां हैं? 100 बोगियां हैं। और कितने व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं? तो 4550 व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण कहां पर? तो ये हैदराबाद की कंपनी है। कौन करेगी? मेन क्वेश्चन ये, कौन करेगी? तो हैदराबाद की कंपनी है MEIL, तो उसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हैदराबाद ने कौन सा अवार्ड जीता है, तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों का जो है क्रम शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाती है। और दोस्तों मंडे से करंट अफेयर की क्लास की एक नए तरीके से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो बिल्कुल वो आपको पसंद आने ही वाला है, ठीक है। आज क्लास लेट हो गई है तो क्लास थोड़ी छोटी करने की कोशिश की गई है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सुनामी से लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? शाकाहार दिवस, विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया था। और 3 नवंबर को कौन सा दिवस? तो अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया था दोस्तों। कब मनाया गया था? 3 नवंबर को। आप बताइए कि भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो ये आपका प्रश्न है कि ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले मतदाता का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये थे श्याम शरण नेगी, आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे। कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 106 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। और दोस्तों बात करें कि 1952 के आम चुनावों में ये पहले मतदाता माने गए थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब दोस्तों देखिए, निधन की बात हो रही है तो मैं ऑप्शन ऐसे रखता हूं कि जहां से आपको रिविजन भी हो सके, ठीक है। तो ये देखिए, पवन कुमार बरुआ जो है, नील पवन बरुआ वैसे नाम है, ये पवन कुमार हो गया है। तो दोस्तों ये कहां? असम के कलाकार है, ठीक है, इनका निधन हुआ है। दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल, याद करिए क्या बताया था मैंने, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक हैं। और दोस्तों ORS घोल इन्होंने ही बनाया था, इनका भी निधन हो गया। इला रमेश भट्ट महिला, अभी आपको मैंने क्लास में शायद परसों वाली क्लास में बताया था कि इनका निधन हुआ। ये क्या है? तो ये एक समाज सेवी है और सेवा नामक इन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की थी। तो इतना आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये समलैंगिक कपल के लिए शुरू किया है जापान ने, ठीक है। किसने शुरू किया? जापान ने। जापान के PM कौन है? तो PM है फुमियो किसिदा। फुमियो किसिदा इसके PM है। और दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है?
टोकियो जो है यहाँ की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें तो आपको याद होंगी ही होंगी। चलिए बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस पर। तो स्कॉटलैंड जो है, देखिए जापान के लिए एक और करंट अफेयर आप जान लीजिए कि जापान ने हाल ही में निहोन्सु के लिए जीआई टैग की मांग की थी, ठीक है। निहोन्सु के लिए जीआई टैग की मांग की थी। निहोन्सु क्या है? एक पेय पदार्थ है जापान का। और यहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। कौन थे दोस्तों? शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्हें भारत के किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो नेताजी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं। स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड दे दोस्तों कि जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्री में सेनेटरी पैड की योजना शुरू की है। क्या है? फ्री सेनेटरी पैड, ठीक है, फ्री सेनेटरी पैड की योजना शुरू की है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है, जिसने जो है 2023 से दिवाली की छुट्टी की घोषणा की है। और फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो अभी आपने देखा फ्रांस जो है आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उपाध्यक्ष फिर से बनाया गया है, अध्यक्ष भारत बना है। तो फ्रांस के बारे में आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों बात करें फ्रांस की जो वायुसेना है उसके साथ जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में कौन सा अभ्यास किया गया? तो गरुड़ अभ्यास किया गया वायुसेना के साथ, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिस्र में COP 27। देखिए COP 27 मैंने बताया था कहां पर होगा। देखिए तीन चीजें, 26, 27 और 28 मैंने तीनों बता दिया था। 27 कहां पर हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, ग्लासगो में 26 हुआ था। 27 कहां पर? तो ये होगा शर्म अल शेख, शर्म अल शेख शहर का नाम है। कहां पर? तो दोस्तों ये मिस्र का शहर है, तो यहीं पर होगा। 27 वाला, 28 वाला कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। तो बात हो रही है COP 27 की, शर्म अल शेख शहर में जो होगा। इसके प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो कौन करेंगे? तो दोस्तों देखिए ये करेंगे जो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कौन करेंगे? भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री है, तो उन्हीं के द्वारा ये नेतृत्व तो किया जाएगा, ठीक है। डन है, उत्तर स्पष्ट हो गया है। चलिए अन्य ऑप्शंस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। डन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चलिए मैं लिख देता हूं, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। मनसुख मांडविया की बात करें तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। कौन से? तो मैंने बताया था मनसुख होता है कब? जब आप स्वस्थ होते हैं। तो ये कौन से है? स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। कौन मंत्री है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, तो ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मनसुख मांडविया के द्वारा ही अभी हाल ही में KEM 22 जो है शुरू किया गया था, केम आयोजन जो हुआ था ना, केम सम्मेलन, तो उसका आयोजन भी किसने किया था? मनसुख मांडविया ने। अमिताभ कांत की बात करें तो G20 में, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 में अमिताभ कांत जो है भारत के शेरपा नियुक्त किए गए। इससे पहले पीयूष गोयल थे, ठीक है। डन है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सीएम डैश बोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरियाणा के सीएम कौन है दोस्तों? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, तो उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है इस योजना में, ये भी देख लीजिए कि ये जो है ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जो है संचालित योजनाएं जो होंगी। देखिए योजनाओं का रियल टाइम जानकारी जो है ये देगी, देगा ये क्या है, सीएम डैश पोर्टल जो है उसके द्वारा मिलेगा, ठीक है। देखिए हरियाणा से संबंधित मैं और भी कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। हरियाणा की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हरियाणा के बारे में, हरियाणा ने ही ये योजना भी शुरू की है। और हरियाणा में बात करें तो एक जगह है गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में पहली चीज तो आईएसए का क्या है? मुख्यालय है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। पहला अनाज एटीएम, ठीक है, पहला अनाज एटीएम दोस्तों कहां पर? तो ये भी आपका बना था गुरुग्राम, हरियाणा में ही, तो ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों मैं बात करूं हरियाणा का ही सूरज कुंड है, जहां पर सूरज कुंड मेला लगता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल ने अंडा और दूध देने की योजना शुरू की है, कहां पर? आंगनबाड़ी के बच्चों को। और दोस्तों बात करें केरल ने एक ऐप चलाया कुंजप ऐप, ठीक है, तो कुंजप ऐप क्या है दोस्तों? तो ये बाल बाल बालकों को साइबर अपराध से बचाने के लिए कुंजप ऐप है। और दोस्तों एक
महिला सुरक्षा पर्यटन नीति भी शुरू किया है। किसने? केरल ने ही शुरू किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अभी एशिया ट्रैक, ठीक है, क्या है? एशिया ट्रैक जो साइकिलिंग की चैंपियनशिप है, इसका भी कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो केरल में ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, पोर्टल की बात हो रही है ना, तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने अभी पंचामृत पोर्टल, ठीक है, पंचामृत पोर्टल मतलब गन्ने के 5 जो है तरीके बताए गए कि कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, तो ये भी आप याद रखेंगे। अभी संभव पोर्टल भी किसने? यूपी ने ही लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आइए मैं कुछ पोर्टल्स के आपके रिवीजन करा देता हूं। देखिए, एक एक स्टेट लेकर के मैं चल रहा हूं, तो वहां पर मैं आपका कुछ रिवीजन कराऊंगा। जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला जो है, इसने कौन सा जन निगरानी, कौन सा पोर्टल? जन निगरानी पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। आपका उत्तराखंड मिल गया, उत्तराखंड का कौन सा है? तो उत्तराखंड दोस्तों देखिए कई सारी चीजें हैं, तो मैं एक बताऊंगा, 1064 भ्रष्टाचार ऐप किसने? तो ये जो है उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया, कौन कौन सा बताया दोस्तों? संभव पोर्टल है, ठीक है, पंचामृत पोर्टल है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। और अगर मैं बात करूं, देखिए महाराष्ट्र की बात करूं, तो एमटीएस मतलब माइग्रेशन ट्रैकिंग जो सिस्टम है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। कर्नाटक की मैं बात कर लेता हूं, तो कर्नाटक ने दिशांक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? दिशांक ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों कर्नाटक ने एक और आयु ऐप भी लॉन्च किया है, ठीक है, आयु ऐप भी किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक के ने लॉन्च किया है। अगर मैं असम की बात कर लेता हूं, तो असम ने फिश वाले ऐप, कौन सा? फिश वाले ऐप। और दोस्तों नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप, कौन सा? नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप भी किसने लॉन्च किया है? तो ये भी असम ने ही लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए मैप से पढ़ने पर आपको चीजें याद हो जाएंगी। एक है ओडिशा, ओडिशा ने अभी दोस्तों कौन सा सफल कृषि पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। और दोस्तों यहां पर मैं और कुछ चीजें देख पा रहा हूं। देखिए आंध्र प्रदेश ने कौन सा लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था दोस्तों 14400, क्या है? 14400 ऐप दोस्तों किसने लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। गोवा आप देख सकते हैं, तो गोवा सरकार ने लॉन्च किया था बीच विजिल ऐप, कौन सा? बीच विजिल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो गोवा सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। देखिए जितना आप दोहराएंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। तमिलनाडु ने कौन सा? तो कावल उथवी ऐप, ठीक है, कावल उथवी ऐप, तो ये भी आप याद रखेंगे कि किसने जो है तमिलनाडु सरकार ने इसे भी इसे लॉन्च किया था। तो केरल ने क्या? केरल ने कुंजप, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो अदर अदर लोगों ने चालू किए हैं। जैसे मैं बताऊं कि भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो पेंशन विभाग ने, जितेंद्र मंत्री जो जितेंद्र सिंह है उसके मंत्री, तो उन्होंने लॉन्च किया है पेंशन के, पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल है भविष्य पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मैं पूछूं कि ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आप बताएंगे नीति आयोग के द्वारा। मैं पूछूं सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सारथी सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसको आपको याद कैसे करना। हरियाणा, देखिए यहां पर सीएम डैशबोर्ड की बात हो रही है, तो बोर्ड अब इस समय स्कूल में जो बोर्ड लग रहे हैं वो कौन से बोर्ड है? ग्रीन बोर्ड लग रहे हैं, तो ग्रीन मतलब हरा, और हरा से आप तुरंत लगाएंगे कि हरियाणा, ठीक है, हरा से तुरंत आपको जोड़ लेना है कि हरियाणा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा देश, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, तो दो क्वेश्चन, पहला है देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन बनी, तो ये बनी फातिमा शेख, और इनके नाम पर पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ शामिल किया है, किसने शामिल किया है दोस्तों? तो ये शामिल किया है ये शामिल किया दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। किसने शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने शामिल किया, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए थोड़ी सी एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, और वो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, देख लेता हूं। चलिए ठीक है, डन है। यहां पर ऑप्शन में लिखना था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बात हो रही है कि किसने जो है शुरू किया है, फातिमा शेख ने। फातिमा शेख जो है पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, इनको पाठ्यक्रम में किसने शामिल किया है, तो ये हो गया आपका उत्तर, आंध्र प्रदेश ने शामिल किया है, डन है। आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी सारी चीजें आप जान गई जो। अब दोस्तों आप थोड़ा सा और आगे जानते हैं, ये पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहली शिक्षिका कौन बनी है, कौन थी, तो वो कौन थी दोस्तों? ज्योतिबा बाई फुले जो है पहली शिक्षिका थी, ये आप याद रखेंगे। अब अदर ऑप्शंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस कोर्स लॉन्च किया है, किसने? किसमें? हिंदी में लॉन्च किया है।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो इसको लागू करने वाला पहला देश राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश बन गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ और करंट अफेयर की। तो अभी मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कौन सा कुचिपुड़ी नाट्योत्सव, कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी आप याद ही रखेंगे। और आंध्र प्रदेश के बारे में अभी मैंने बताया एक पोर्टल है 14400, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य कर दिया है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने अनिवार्य कर दिया है कि स्कूल में जो है 10 मिनट बच्चे क्या करेंगे, योग जरूर करेंगे। ये कर्नाटक सरकार ने जो है अनिवार्य किया है। कर्नाटक के बारे में फटाफट से हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। ये आप याद रखेंगे ना, 10 मिनट योग कहां पर? कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक, नाटक कर, नाटक करने का मतलब ये नहीं कि योग नाटक को होता नहीं है, लेकिन आप वहां से जोड़ सकते हैं कि कुछ करना है, नाटक नहीं योग करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कर्नाटक के बारे में और। तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहां पर? कर्नाटक में बनाया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। जैन यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि कर्नाटक ने कौन कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दिशांक ऐप लॉन्च किया है और आयु ऐप लॉन्च किया है। किसने? कर्नाटक ने ही लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक योजना है विनय समरस योजना, किसने चलाई है? तो ये भी कर्नाटक के द्वारा ही चलाई गई है, विनय समरस योजना, ठीक है। मैं और जो नवीनतम करंट अफेयर्स मैं उनको ऐड करते जाऊंगा। आंध्र प्रदेश के बारे में अभी आपने पढ़ ही लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसमें जो है पहला डुडांग क्षेत्र कहां पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों और कौन सा रिलेट कर सकते हैं हम लोग तमिलनाडु के बारे में? चलिए जैसे याद आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। केरल की बात करें तो अभी कुछ रिवीजन मैंने किया है केरल के बारे में, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है केरल ने, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये दोस्तों पैनल क्यों गठित की गई है? तो आपकी जो एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी के संचालन के लिए ये जो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए पैनल गठित की गई है। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन बनाए गए हैं? तो जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, ये आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर के जो चैंबर ऑफ काउंसिल है तो उसके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ काउंसिल जो उसके अध्यक्ष है आईआईटी कानपुर के कौन? डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो इन्हें ही इस संस्थान का, इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन पर। तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है दोस्तों? वर्तमान में है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। कस्तूरी रंगन की बात करें तो एनईपी जो है आपकी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, ये जो है किसकी अनुशंसा पर बनी थी, किस समिति की अनुशंसा? तो कस्तूरी रंगन की। और प्रदीप कुमार मोहंती की बात करें तो वर्तमान में क्या है? लोकपाल के अध्यक्ष है। क्या है? लोकपाल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये है प्रदीप कुमार मोहंती। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, उनकी जगह पर कौन बन गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती बन गए, तो ये भी आप याद रखेंगे। आज क्लास लेट है इसलिए मैं ज्यादा रिवीजन नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट है हाल ही में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहां किया गया है? तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कौन है, ये है पुष्कर सिंह धामी, तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए हाँ, उत्तराखंड में शुरू किया गया है कौन सा? लखपति दीदी मेले का आयोजन। तो दोस्तों ये समझिए 4 नवंबर को वहां पर इगास पर्व मनाया गया था, कहां पर? उत्तराखंड में। तो वहीं पर दोस्तों ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। क्या है इस योजना में? तो इसके तहत 2025 तक, ध्यान रखेंगे, 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके? लखपति दीदी मेले के, जो है मेले का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा, डन है। चले आगे, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अन्य है। बात हो रही है मेला और उत्सव की, तो असम में अंबुबाची मेला, कौन सा? अंबुबाची मेला कहां लगता है? असम में। और अभी एक उत्सव मनाया गया था कटी बिहू, कटी बिहू कहां पर? तो ये असम में मनाया गया था। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में दोस्तों अभी बालिका पंचायत गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना है। गुजरात के वडोदरा में दोस्तों अभी आपने देखा कि C295MW जो परिवहन निर्माण इकाई है वो कहां पर? गुजरात में। पहली स्टील सड़क कहां पर? गुजरात के सूरत में। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, तो ये आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर दोस्तों देखिए मेले की बात हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जी आई महोत्सव, जी आई महोत्सव कहां पर?
तो ये हुआ वाराणसी में, ठीक है। सुलह कुल उत्सव कहां पर, तो आगरा में, सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, इतना आप याद करिए, धीरे धीरे मैं रिवीजन कराता रहूंगा, ठीक है, डन है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम करंट अफेयर्स अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़े हैं। पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां पर, तो केजीएमयू लखनऊ में, ठीक है, केजीएमयू लखनऊ में लगाई गई। और ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर जो है उत्तर भारत का लगाया गया, कहां पर, ग्रेटर नोएडा में, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आज मैंने विशेष नहीं रखा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और लेट क्लास है तो मजा नहीं आएगा, तो मंडे से आपको एक एक चीज इतने व्यवस्थित क्रम में मिलने वाली है कि ये करंट अफेयर की क्लास आपको पूरी यूट्यूब पर ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग दोस्तों, मंडे से सब कुछ शुरू होने वाला है। तिरपनवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये मैंने बताया था चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के कहां पर, चित्रकूट में। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है, चौथा है, भारत का तिरपनवा है। और दोस्तों अगर बात करें कि बुंदेलखंड का कौन सा है, तो बुंदेलखंड का पहला है। आज का आपका प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के शीर्ष T20 बल्लेबाज कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो चार नाम लिखे गए हैं, चारों नाम के बारे में जो भी आप जानते हैं वो आप बताते रहेंगे, ठीक है। पीछे मैंने उत्तराखंड के बारे में एक चीज नहीं आपको बताई थी, वो आप देख सकते हैं, उत्तराखंड यहाँ पर है, तो उत्तराखंड के आप ब्रांड एम्बेसडर बता दीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। तो ये रही दोस्तों आज की आपकी क्लास, क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।